आज दिनांक 27/8/2023 लुकवासा स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति सदस्य सुनील आचार्य पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश से स्टेशन पर चल रहे कार्य का अवलोकन कर आभार व्यक्त किया। रहवासियों ने बताया कि पूर्व में स्टेशन पर कुछ नहीं था, परंतु आपकी पहल से स्टेशन पर एक छोटा सा प्रतीक्षालय यात्रियों के लिए निर्माण हो रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म की थोड़ी ऊँचाई भी बढ़ाई जा रही है। आपके अनुरोध पर यात्रियों को धूप वर्षा से बचाने के लिए छोटा टीन शेड बैठने के लिए कुर्सियाँ पाने पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए एक नया हैंडपंप स्वीकृत हुआ है और रात को लाइट लगाना स्वीकृत किया गया है। संबंधित अधिकारी से निवेदन कर जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, परंतु ये सब पाकर भी लुकवासा स्टेशन के रहवासियों में प्रसन्नता नहीं देखी गई, इसलिए उन्होंने ZRUCC मेंबर सुनील आचार्य को 8 फीट लुकवासा स्टेशन पर बुलाकर सैकड़ों की संख्या में एकत्र होकर विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। लुकवासा रेलवे स्टेशन पर ज्ञापन लेकर सुनील आचार्य जी ने लुकवासा रेलवे स्टेशन पर एकत्र संगठन पदाधिकारियों एवं रेल यात्रियों से पूछा कि पिछले वर्ष आपने मुझे बुलाकर रेल महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। आचार्य जी आए थे, ZUL मेंबर है रेलवे बोर्ड के, क्या पूरा मामला था, क्या देखा इनने और क्या किया, क्या मांग रखी? जी आचार्य जी जब पहली बार आए थे तो अटूनी और लुकवासा के लोगों ने जो स्थिति यहाँ की थी, जो स्थिति धरातल पर थी, उसको अवगत कराया। यहाँ पे ना स्टेशन था ना कोई, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन वो उतरने की जगह जो जगह थी बहुत नीचाई थी, उस बारे में सब कुछ बताया। और जो गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी निकलती हैं पर गाड़ियों का स्टॉपेज यहाँ नहीं है, उसके संबंध में आचार्य जी को सब ने अवगत कराया। उसको देखते हुए आचार्य जी ने जितना भी हो सका, वो आज आप काम देख रहे हैं जो इन लोगों की वजह से इन्होंने जो सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया, उसके कारण ये काम चालू हो चुका है। अब आगे आज लोगों ने बात रखी है कि यहाँ पर क्रॉसिंग होना चाहिए। क्रॉसिंग इसलिए आवश्यक है कि क्रॉसिंग होगी तो बड़ी से बड़ी गाड़ी का ठहराव यहाँ आसानी से हो सकेगा, इस चीज़ से भी अवगत करा दिया है। और आगे वर्तमान में ये अपनी बात को इनके पास रखा, ये अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और आगे इस काम से उम्मीद है कि ये हमारे गाड़ियों का स्टॉपेज होगा। ZUL मेंबर के मेंबर आए हैं, क्या इनसे मांग थी और आज क्या क्या हुआ, क्या है? इससे पहले भी एक बार आए थे तो हम लोगों ने ये मांग रखी थी, क्या स्टेशन वगैरह कुछ नहीं था, गिरा पड़ा था, तो सभी क्षेत्रवासियों ने निवेदन किया था कि यहाँ स्टेशन बने, यात्री रात बिरात आते हैं, लाइट की सुविधा नहीं है, पानी बरसता था तो कहीं खड़े होने जगह नहीं थी। और दूसरी चीज़ क्या है, अब हमारी मतलब ये मांग है कि यहाँ से जो रेलें निकलती हैं वो यहाँ रुकती नहीं है। आज मान के चलो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा, इंदौर, ग्वालियर या अन्य जगह जाने के लिए रेलवे की, हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्रवासियों को व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मान लो किसी को इलाज कराने इंदौर जाना है, कोटा जाना है, ग्वालियर दिल्ली जाना है, तो वो लोग नहीं जा पाते। तो हमारी यही मांग है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनका स्टेशन लुकवासा हो, चूँकि क्या है कि नज़दीक में कोलारस और भद्रवास है, जबकि लुकवासा का क्या है इधर राजस्थान से भी अटैचमेंट है और इधर खतौरा और रन्नौत से भी अटैचमेंट है, तो ये बीच में पड़ता है। तो यहाँ से क्या है कि खतौरा वासियों को भी फ़ायदा होगा, रन्नौत वासियों को भी फ़ायदा होगा और इधर राजस्थान बॉर्डर के कस्बा थाने तक के लोग यहाँ से आना जाना है। तो और यहाँ पर बड़ी मंडी है जिसमें लगभग गुना अशोकनगर तक के जिले के किसान यहाँ बेचने आते हैं। आपके राजस्थान के यहाँ से जो बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ से 150-200 किलोमीटर स्टेशन नहीं है, 12 में जाके है रेलवे स्टेशन, इसके बारे में क्या कहोगे आप? हाँ तो यही तो कहना है हमारा कि यहाँ से कस्बा थाना शॉर्ट में 25 या 23 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, तो उनको ये सुविधा हो जाएगी। ये लुकवासा सीधा, ये सीधा पास से रोड गया है राजस्थान के लिए, पक्का रोड है डमरीकरण। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि इधर राजस्थान के लोग भी जुड़ जाएंगे, इधर खतौरा रन्नौत के लोग भी, यहाँ सुविधा हो जाएगी। स्टेशन का दौड़ा रहा, क्या कैसा पूरा मामला था? पिछले बार मैं अभी आया था, कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे फिर से एक बार बुलाया यहाँ पर। उनका आज जो थे सैकड़ों की तादाद में लोगों का आना हुआ था, तो लोगों की ये मांग है, मुझे ज्ञापन भी दिए हैं, व्यापारी संघ है, विभिन्न संगठनों के, उससे लुकवासा टूनी वगैरह और यहाँ के जो भी क्षेत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस स्टेशन को, जो पूर्व स्टेशन था
उसके हिसाब से तो हमारा भवन हो, शौचालय हो, हमारी लाइट व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, खिड़की की व्यवस्थाएँ हों और यहाँ पर गाड़ियों का ठहराव हो लंबी दूरियों का। इसका कारण भी उन्होंने बताया, उसका कारण ये था कि आज हम चिकित्सा के अभाव में अपने आदमी को भी खो बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 किलोमीटर तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ हम अपने मरीज को वहाँ पर दिखा सकें, तो हमको इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और कोटा जाना पड़ता है। क्योंकि कोटा और इंदौर, भोपाल, जब इनके लिए गाड़ी यहाँ पर ठहराव नहीं है, ठहराव ना होने से स्थितियाँ बहुत ख़राब रहती हैं। चिकित्सा को ले लो, रोजगार के लिए ले लो, या शिक्षा के लिए ले लो, व्यापार के लिए लो, हमारा सारा का सारा कार्य बिल्कुल समापन की ओर है। तो इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर लुकवासा स्टेशन पर क्रॉसिंग स्टेशन हो, जिससे गाड़ियाँ यहाँ पर लंबी दूरी की रुकें और हम लोगों का चारों दिशाओं में आना जाना हो, और स्टेशन का भवन भी अच्छा बने, हमारे रेल यात्रियों की सुविधाएँ भी अच्छी बने। क्योंकि उनका ये कहना है कि एक तो यहाँ पर जो मंडी है वो भी बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों को आना जाना होता है, दूसरा राजस्थान बाउंड्री भी लग रही है तो वहाँ के लोगों का भी यहीं आना जाना होता है, और लुकवासा और बदरवास के बीच का ये स्टेशन है, तो ऐसा मानना है कि उन दोनों शहरों से भी यही पास में स्टेशन पड़ता है, तो उन लोगों का भी आना है। क्योंकि आ क्यों नहीं पाते, क्योंकि अभी गाड़ियों का यहाँ पर ठहराव नहीं है, तो क्राउड नहीं हो पाता। जब गाड़ियों का ठहराव हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत क्राउड होगा और रेलवे के राजस्व में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी। यहाँ पर जो पेपर ब्लॉक लगाए हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? ये पहले जब पूर्व में आया था तो लोगों की ये मांग थी कि यहाँ स्टेशन भी नहीं है, पहले स्टेशन था वो एकदम खत्म हो गया है, आवश्यकताएँ हैं, तो इनको लेकर यहाँ के रहवासियों ने मांग की थी कि स्टेशन को बनाया जाए, भवन बनाया जाए रेल यात्रियों के लिए। तो उसको लेकर मैंने संबंधित अधिकारियों को निवेदन किया था, उसका आज परिणाम है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चालू है, लेकिन इस कार्य से हमारे क्षेत्रवासी, हमारे अटरूनी के, हमारे लुकवासा के लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सर्व सुविधायुक्त हमारा स्टेशन बने।